हम सीखेंगे वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो, मैंने एक वेब स्टोरी बनाया हुआ है ऑलरेडी, और इस वेब स्टोरी को कैसे हम गूगल में इंडेक्स करेंगे, तुरंत ही बनाने के बाद कैसे इंडेक्स करते हैं, और इंडेक्स होने के बाद कुछ कैसे उसे एक्सटर्नल पेज में भी हम ऐड करेंगे ताकि तुरंत ही इंडेक्स हो जाए। चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेब स्टोरी बनाना है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और पहले हम टाइटल ऐड करेंगे हमारी वेबसाइट का, हमारी वेब स्टोरी का, कि कौन सा टाइटल हमें बनाना है। मोस्ट ऑफ जो हमारी पोस्ट होती है, उस पोस्ट का ही हम क्या करते हैं, जो थंबनेल होता है उसी को हम टाइटल में ऐड करते हैं। तो मैंने भी, ये मेरी जो एक पोस्ट है उसका मैंने ये थंबनेल ऐड किया है, और ये फर्स्ट स्लाइड हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है कि दोनों को स्प्लिट करके एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना है जिसमें हम इन दोनों को बाहर से अंदर की ओर लाएंगे, और फिर हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे ताकि ऐसा विजुअल इफेक्ट आए कि एक साइड लेफ्ट से और एक साइड राइट से आके, और फिर कंटेंट ओपन हो। जैसे पहले एक स्लाइड आएगा यूआई डिज़ाइन, फिर यूएक्स डिज़ाइन, ऐसा स्लाइड आएगा, और दोनों के बीच में मेरा अलग अलग जो टॉपिक है वो आएगा। इस तरह का कुछ एनिमेशन होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने दो स्लाइड ऐड की है, और ये पहला टॉपिक जो है मेरा लेटेस्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइन एजेंसी, उस टाइटल को मैं, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा क्योंकि सब में ये टाइटल जो है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और यहाँ पे हम टॉपिक ऐड करेंगे वन बाय वन, जैसे ही हमने पहला टॉपिक ऐड कर दिया, और इस टॉपिक को ऐसा हम एनिमेशन देंगे कि पहले एक स्लाइड आए, फिर टॉपिक आए, फिर वही स्लाइड बंद हो, पहले स्लाइड ओपन हो, फिर मेन टॉपिक वाली स्लाइड आए, और उसके बाद फिर दूसरी स्लाइड आए जिसमें वो क्लोज हो। अब यहाँ से मैं एनिमेशन दूंगा, और थोड़ा इसमें डार्क इफेक्ट ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी डेप्थ आए, और यहाँ से हम एनिमेशन देंगे लेफ्ट टू राइट, और जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है लास्ट वाला, इसके बाद वाला, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनिमेशन है। सो वेब स्टोरी बनाने में आपको एक आध ऐसी स्लाइड जो होती है बाय डिफॉल्ट आपको बना देनी है। अब यहाँ से हम थर्ड स्लाइड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसको राइट टू लेफ्ट एनिमेशन दे देंगे ताकि ऐसा इफेक्ट आए, एक लेफ्ट स्लाइड, फिर राइट साइड, फिर बीच में कंटेंट। तो इस तरह से मेरे चार स्लाइड जो है वो बन चुके हैं, और यहाँ से मैं एनिमेशन का ड्यूरेशन ऐड करूँगा। अब इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर दूँगा, डुप्लीकेट करने के बाद इसकी पोजीशन को मूव कर दूँगा, और यही जो हमने अब तक किया उसी को हम अब रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ से सेकंड नंबर का एजेंसी का नाम लेंगे और इसी को ऐड कर देंगे, यहाँ से थोड़ी टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट का एरिया बड़ा कर देंगे, और अब इसी का मैं एक दूसरा डुप्लीकेट लूँगा इस स्लाइड का, और इसको भी लास्ट में रख दूंगा ताकि ऐसा लगे कि एक स्लाइड क्लोज हुई, फिर ओपन हुई, उसके बाद फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन आया, और फिर दूसरी स्लाइड क्लोज हुई, यानी ओपन एंड क्लोज एंड कंटेंट, ओपन एंड क्लोज एंड कंटेंट। इस तरह का मैंने कुछ सोचा है कि इस तरह का कुछ स्लाइड बनाते हैं कि कंटेंट पहले ओपन हो, फिर आपको जो भी एनिमेशन और इफेक्ट देना है वो सब कुछ आपको पहले ही देना है, ताकि आपको जब कभी भी इसका डुप्लीकेट करो तब डुप्लीकेट करने में वो एनिमेशन और उसका इफेक्ट कभी डुप्लीकेट हो जाए, ताकि हमें वो बार बार देना ना पड़े। सो अभी गूगल में वेब स्टोरी का जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इसे इतना प्रॉपर तो जो कहते हैं कि जिसको एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, तो इंडिया में बहुत ही चल रहा है, यूएस में कम है थोड़ा, और बाकी की जो कंट्री है उसमें तो अभी अप्रूवल भी नहीं आया है। हमारे इंडिया, यूएस और यूके ऐसे तीन चार कंट्री है जिसमें अभी ये वेब स्टोरी चल रहा है। तो इस तरह से आप कुछ मूवमेंट करके फिर आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके इस तरह से मैं बनाऊँगा। अभी ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको बार बार वो देखना हो तो आप देख सकते हो, वरना फिर अगर आपको स्किप करना हो तो स्किप कर सकते हो। मैं यही प्रोसेस जो है वो बार बार दोहराऊंगा।
अब यहाँ पे मैं अभी इसका प्रीव्यू देखूँगा, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से सब अलग अलग डिवाइस में दिखेगा, और ये देखने के बाद सब परफेक्ट हो रहा है तो मैं अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो ऐड करता जाऊँगा और इसी प्रोसेस को रिपीट करता जाऊँगा। अब मैं एक एंड में एक स्लाइड ऐड करूँगा जिसमें मैं जो बाकी के जो टॉपिक है उसके लिए स्लाइड नहीं, मैं वेब स्टोरी जो है मिनिमम आपको 8 से 10 स्लाइड की बनानी है। अगर ज़्यादा स्लाइड बनाओगे तो यूज़र लास्ट तक जाएगा नहीं और गूगल में आपकी इंप्रेशन जो होगी वो ऐसी होगी कि 5-6 स्लाइड देख के कोई बंदा चला गया तो रैंकिंग डाउन होगी। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 6 से 7 मैक्सिमम 8 से 8 तक ही आपको स्लाइड बनाना है ताकि पूरी वेब स्टोरी बंदा देखे। अब बाकी के जो भी टॉपिक हैं वो मैं इसी में ऐड कर दूंगा। पहले मैंने 7 स्लाइड बनाई और लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने बाकी के टॉपिक ऐड कर दिए और मैं अभी ये थंबनेल बना रहा हूँ। जो भी मेरे पोस्ट की थंबनेल थी वही मैंने प्रीव्यू के लिए रख दी है। अभी मैंने टाइटल रख दिया, यहाँ से डिटेल रख दी और डिटेल रखने के बाद मैंने यहाँ से अपना लोगो ऐड कर दिया। लोगो ऐड करने के बाद मैं अभी यहाँ से साउंड ऐड कर रहा हूँ। आपको एक साउंड रख लेना है ट्रैक जो आपको अच्छा लगे वो साउंड ऐड कर देना है। यहाँ से मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ गूगल से, मैंने अलग अलग कीवर्ड जो है मेरी स्टोरी के रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको कीवर्ड ज़रूर ऐड करने हैं, टाइटल भी ऐड करना है तभी ये पब्लिश होगा, कैटेगरी भी ऐड करनी है। अभी मैंने प्रीव्यू देखा, हमारी वेब स्टोरी जो है वो तैयार हो चुकी है, हम देख सकते हो परफेक्ट चल रही है वेब स्टोरी। और ये लास्ट में जो 3 कंटेंट बचे थे वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिए। अब हम इसको इंडेक्स करेंगे गूगल में। इसी तरह से आपको स्टोरी बनानी है, मैक्सिमम 8 से 9 स्लाइड, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है वरना यूज़र 5-6 स्लाइड देख के चला गया तो आपकी गूगल में इम्प्रेशन जो है वो डाउन होगी। अब यहाँ से हम लेंगे सर्च कंसोल, सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इंडेक्स के लिए जाएंगे। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट ऐड कर दी है इंडेक्स की और यहाँ से अभी इंडेक्स हो जाने के बाद मैं अभी लाइव टेस्ट भी कर लेंगे ताकि प्रॉपर हमारा जो URL है वो लाइव हो जाए। यहाँ से अब यहाँ से लाइव कर देते एक बार, ये लाइव हो चुकी है हमारी। अब हम हमारा जो प्लगइन है SEO टूल्स का उसमें जाएंगे SEO और यहाँ से मैं एक कस्टम लिंक ऐड कर दूंगा और इसको डेली फ्रीक्वेंसी पे ऐड कर दूंगा ताकि डेली ये कंटेंट इसमें अपडेट करे। फिर मैंने ऐड कर दिया। अब इसका साइड मैप हम चेक करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स हमारी स्टोरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये साइट मैप में देखा, साइट मैप में देख के हमारा यहाँ पे साइट मैप में हमारी स्टोरी है वो यहाँ से जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे भी हम साइट मैप क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे ताकि जो अभी लेटेस्ट नया साइट मैप आया, देखिए यहाँ गूगल में भी वो स्टोरी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडेक्स करते हैं अपनी वेब स्टोरी को।